हेलो दोस्तों, ये भाई क्लास 350, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रही है, सेल की काम नहीं कर रहा है। फोन हो गया इस तरह से डेल करो, स्टार्ट होने पर बटन में मोड़ रही है, रेस हो रही है, हम हो रही है इस तरह से। इसे चेक करेंगे, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा बैटरी, फोन ज़रा डाउन है क्योंकि बहुत ही होती है। बैटरी चेक कर लेते हैं। तो ये है मल्टीमीटर, इसमें बैटरी में करंट कितना है ये चेक करेंगे। इसको सेट कर देंगे 20 पर। दिखाओ उधर, तो 8 वोल्ट करंट बता रहा है, मतलब करंट कम है। तो गाड़ी स्टार्ट होने पर अगर ये बढ़ता है, होने पर ये करंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? अगर ये बढ़ रहा है तो इसका रेक्टिफायर, उसको बैटरी को चार्ज करना है। एक चीज़ और चेक करना पड़ती है, चार्जिंग के नाम से फ्यूज होता है, ये फ्यूज़ भी चेक कर लेते हैं हम। अगर ये फ्यूज़ उड़ता है ना तब भी बैटरी चार्ज नहीं होती, तो फ्यूज़ तो एकदम सही है, फ्यूज़ सही है। अब मल्टीमीटर में चेक करेंगे, अब ये बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता। ये देखो अब डाउन बता दी बैटरी, अगर रेस खींचने में बढ़ना चाहिए, बढ़ नहीं रहा ऊपर। ये भी वापस बैटरी डाउन कर देगा, थोड़ी देर के अंदर हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि जब तक बैटरी को सप्लाई नहीं मिलेगी चार्ज होने की तो वो बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही इसकी। तो अब हम इस रेक्टिफायर को लगा करके देखेंगे, ये रोशनी वगैरह सब बढ़ गई क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही है। पहले बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी इसलिए डाउन हो रही थी बार बार वो। अब ये बाहर के बाहर ही मैंने रेक्टिफायर लगा रखा है, इसके अंदर आप वाला अंदर ही लग रहा है, आप वाला पुराना इसके अंदर ही लगा हुआ है, मैंने बाहर के बाहर ही लगा रखा है इसको। अब ये मल्टीमीटर से अगर चेक कर रहे हैं तो अपनी करंट अब 11-12 पे हो गया, पहले आपके 7-8 पे बढ़ ही नहीं रहा था। जैसे मैं रेस खींचूंगा ना तो ये बढ़ेंगे ऊपर, ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। मतलब वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।